तो अभी दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जा रहे हैं तमिलनाडु, अभी है महाराष्ट्र के धुले के अंदर। आपने पिछले वीडियो में देखा ही था महाकाल उज्जैन से आए, और आज इस वीडियो के अंदर अभी औरंगाबाद और फिर पुणे जाएंगे। ये दोस्तों कान्हा होटल है, यहाँ से धुले से अभी हम लोग निकल रहे हैं। और आज क्या है कि एक समस्या होगी हमारे, समस्या ये होगी दोस्तों कि पानी भर गया पता नहीं गाड़ी के अंदर एक साइड से, हमारे जो गद्दा लगा हुआ था और जो जो बिस्तर लगा हुआ था उस साइड में, तो आधा बिस्तर एक साइड का आधा बिस्तर पूरा पूरा गीला हो गया। ऊपर से आज बारिश हो रही है, ऊपर जो बैग रखते हैं उसके अंदर भी पानी भर जाता, तो कहीं ना कहीं रास्ते में या तो या प्लास्टिक लेना पड़ेगा या टेप लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ लेकर के फिर उसके बाद में बैग ऊपर वापस रखेंगे। तो काफ़ी समस्या हो गई है बारिश की वजह से, लगातार सुबह से बारिश हो ही रही है, अब लगातार होगी बारिश से। गिद्दा जो आधा साइड से गिला हो गया, सिर्फ ये थोड़ी सी साइड बची है, एक साइड में हमने बैग रख दी, अब कहीं ना कहीं लेकर के फिर एडजस्टमेंट करेंगे। बहुत महंगा है होटल वगैरह जो 1800 रुपये लिए, और उसके बाद में खाना पीना हर दिन जो बहुत महंगा। हाँ, तो ये जय जलाराम है, यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं क्योंकि टाइम जो 1:30 बजे से भी ऊपर का हो गया, और अब लोग हम लोग जो यहाँ से निकलेंगे। जुनोने आ गया, और यहाँ पर क्या है कि हमारी गाड़ी का जो टायर थोड़ा सा हवा कम हो गई थी, पंचर तो नहीं मिला, इसलिए हवा भरवाने के लिए हम लोग रुके हैं। धुले से जो खाना खा करके हम लोग जो निकले, और उसके बाद में ये भूल गए, अभी तक नहीं लिया है गाड़ी के अंदर जो बैग पड़ी है उसको ऊपर भी नहीं रखा, कहीं आगे फिर देखेंगे। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब उज्जैन से आए थे पेट्रोल पंप पे, वहाँ पर हमने पेट्रोल भरवाया जैसे ही उज्जैन से निकले। कई बार ऐसे क्या होता है, फोन पे से जब पेमेंट करते हैं ना, तो फोन पे से पेमेंट पेंडिंग में चला जाता है, होता नहीं है, काफ़ी देर वेट करवाता है। तो वहाँ पर भी पेट्रोल पंप पे हमारे साथ में कुछ ऐसा हो गया कि पेंडिंग में था, हमने कई देर तक वेट किया, नहीं हुआ तो हमने दूसरा पेमेंट एक और कर दिया, वो हो गया। अब पेंडिंग वाला वहाँ से निकल के आए तो उसके बाद में घंटे दो घंटे बाद में वो भी हो गया, दो पेमेंट हो गए। हालांकि वहाँ पर जो काम करने वाले कोई लड़का था उनके नंबर मैंने लिए थे, मालिक के नंबर नहीं लिए थे, मालिक था नहीं, और हमने सोचा कि वो लड़का कर देगा पेमेंट। दो दिन हो गए अभी तक वापस पैसे आए नहीं हैं, गाड़ी दोबारा खाली और हो गई है भरवाने के लिए रेडी। तो खूब सारी बातें होती हैं जो साथ में लेकर चलनी होती है, परेशानी भी होती है। और ये बूंदाबांदी सुबह से चल रही है, बारिश की सुबह से बारिश हो रही है, मौसम सुहावना है, बहुत अच्छा लग रहा है। लगभग यहाँ से 125 किलोमीटर और है संभाजी नगर या औरंगाबाद जाम जा रहे हैं। अब देखिए ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और अब जो है थोड़ी देर के लिए मैं इस साइड में बैठूँगा। शब्दों में नहीं बता सकता आपको, कई सारे काम रहते हैं जो गाड़ी रोक करके मुझे करने पड़ते हैं, पर ऐसे समझ लीजिए ये 100 में से 0.05% मुश्किल से चलाती है। ज्यादा बता दियो, 0.2 0.02 0.0 बताते हो? नहीं, 0 नहीं, कुछ ना कुछ तो संख्या है, यदि तो थोड़ी बहुत गति गति चलावे। शिव ने जो पीछे की साइड में सो रही है, और हम लोग जो चल रहे हैं, यार खड्डा तो बचा के चल सके थोड़ी बहुत, यहाँ खड्डे वाली रोड आती है तभी मैं इसको देता हूँ, सबसे घटिया रोड होती है तब मुझे। हाँ, 30 रुपया पाव शेर मैं लेके आया हूँ, क्या चीज लेके आया, खजूर 30 रुपया पाव शेर, टिकड़े भग उसका पता मुझे नहीं है क्या होता है, टिकड़े भग मतलब ए हिकड़े भग मतलब इधर देखो शायद, आप बता देना बाकी करेक्शन कर देना, मुझे इतनी नहीं आती मराठी। दूसरी बस लगी है हनी, मराठी दूसरी बस हम आ गया चाहता है। एक यहाँ पर नदी आई है जिसका नाम है गिरना नदी है, छोटी सी नदी है वैसे, पुल है वो भी थोड़ा चिड़ सी रास्ता में है, बहुत मीठे खजूर है, बहुत ज्यादा मीठे, ये भेड़ बकरियां लेके जा रहे हैं। और आज दोपहर में 3 घंटे से ज्यादा लगातार सोने का रिकॉर्ड बनाने हमारी शिव ने पहली बार, ए वरना तो दोपहर के अंदर जाग रही होती है, धोखे की नींद ले ली पेट भर के। ठीक है चलो, अब जो हम सबकी तबीयत लगभग लगभग ठीक हो गई, इसकी थोड़ी सी खांसी रही है,
हम सब एकदम स्वस्थ हैं और जो मौसम है उसमें बहुत अच्छा लग रहा है। चमाइल सो गयो नी, चमाइल नी ले जी सो रो गयो। चालीस गांव में मंदिर, 40 गांव में रोड, 40 गांव का मार्केट। अब ये 40 गांव कैसे है? पहले कभी, अभी तो एक गांव का नाम है 40 गांव, क्या पहले कभी यहाँ 40 गांव थे? ये आसपास के 40 गांव को मिला के बना, ये नहीं पता है। इतना जरूर पता है पूरे गति अवरोधक आहे वहाँ निशाव का सलावा। जय शिवाजी महाराज। यहाँ पर बहुत सुंदर शिवाजी महाराज का स्टेचू बना हुआ है, स्मारक है। तो अभी दोस्तों 40 गांव एक साथ पार करने के बाद में अब जो 40 गांव वाला घाट आ रहा है इसको भी क्रॉस करेंगे और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके हैं आम खाने के लिए, जस्ट घाट से थोड़ा सा पहले, जिसे कन्नड़ घाट भी कहते हैं। ये 40 गांव वाला घाट के नाम से जाना जाता है और इस एरिया के अंदर काफ़ी डेंजर घाट माना जाता है, मतलब कोई ध्यान ही को नहीं, आम खा रही है यहाँ, मना भी दे दे। और ये है दोस्तों 40 गांव या कन्नड़ घाट आप कह सकते हैं, दो गांव के बीच में ये घाट जो हमें तो बहुत खूबसूरत लगा। बारिश के दिनों में पूरा काले पत्थरों से पानी जो टपक रहा था सब जगह, झरने वगैरह, और बहुत खूबसूरत लग रहा था क्योंकि यहाँ पर जो है वो सीधी समतल रोड के बाद में अचानक से ये घाट आया है, पहाड़ आए हैं। हाँ ये बात ज़रूर है, खूब सारे ट्रक वगैरह यहाँ से जा रहे थे तो रास्ता उनके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ट्रकों के लिए, क्योंकि कई जगह पर संकड़ा रास्ता है। और बाकी बहुत ही खूबसूरत रास्ता है पूरा का पूरा घाट वाला। हिमाचल और हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने के बाद में अब इस तरह का जो ये घाट है हमें बहुत ज़्यादा डरावना या खतरनाक उस तरह से कुछ भी नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे लिए बहुत ही आसान था ये घाट जो क्रॉस करना, लेकिन अद्भुत भी था क्योंकि यहाँ से जो नीचे ग्राउंड के नज़ारे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। चालीस गांव कन्नड़ घाट जो है उसको क्रॉस कर लिया है और उससे आगे जा रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पर गांव भी है, ऊपर आए हैं तो कई सारे गांव और लोग रहते हैं, खेत है चारों ओर, बहुत सुंदर दृश्य। अब सुनने की बात सुनो, क्या बताओ सुनिया? अभी हम हिमाचल में घूम के आए हैं तो उसके बाद में हमें ये घाट ज्यादा खतरनाक नहीं लगा, सुनने में ऐसे आया था कि ये बहुत खतरनाक है। अब खतरनाक कैसे है पता नहीं, एकदम सिंपल से लगा हमें, बहुत ही आसान। तो अभी दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं औरंगाबाद संभाजी नगर। यहाँ पर क्या है कि मेरे दोस्त की दुकान है मिठाई की और नमकीन की, बचपन से हम लोग साथ में रहे हैं, पढ़े हैं, तो मिल करके जाने के लिए मैंने सोचा औरंगाबाद होकर के चलते हैं। तो अभी दोस्तों ये औरंगाबाद संभाजी नगर के अंदर पंडरपुर के अंदर दुकान है हमारे गाँव की और ये मेरा दोस्त है, हम लोग काफ़ी टाइम से मिले, इतने टाइम में रह के भी क्या नहीं मिले थे हेमंत, और इनकी ये दुकान सालों से यहाँ खूब सारी कतलियाँ बतलियाँ खाई। बीकानेर के नाम से ये स्वीट्स शॉप है। हम लोग एक रात के लिए यहाँ पर रुके, खूब सारी बातें की, नई पुरानी, और खूब दिनों से हम दोनों मिले थे। उसके बाद में जो आगे यहाँ से पुणे की तरफ अगले दिन हम लोग निकल रहे हैं। तो भी दोस्तों हम लोग जो औरंगाबाद से निकलने के बाद में पुणे की तरफ जा रहे हैं और मेरे पीछे की साइड में जो आप देख रहे हैं ये है गोदावरी नदी। ये नदी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है,
क्योंकि इससे पहले वाले आपने वीडियो के अंदर भी देखी थी वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ एक अपवादजनक नदियाँ हैं, कई कारणों से जो है वो उस साइड में उल्टी दिशा में बहती है, ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर से निकल करके और ये जाती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। करीब करीब ये सफ़र तय करती है 1500 किलोमीटर का। और इस नदी के किनारे पीछे की साइड में आप हमारे देख रहे हैं खूब सारे इस तरह से पुराने पुराने मंदिर भी है। और ये यहाँ पे संगम है ना, हाँ ये संगम है। ये एक्चुअली यहाँ पर दो नदियाँ, एक और है दूसरी, उसे वो पीछे गोदावरी है और जहाँ पर हम लोग खड़े हैं एक दूसरी और है शायद परवाना परावना इस तरह से कुछ नाम है, आप कमेंट करके बताना क्या है। इस संगम स्थल पर कई सारे मंदिर भी है, एक ही साइड में महादेव मंदिर है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जहाँ से नदी निकल के आती है ना उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर के पास में पहाड़ों में जहाँ पर हम लोग गए हुए हैं, और उस जगह का वीडियो मैंने पहला वीडियो शायद इस चैनल पे होगी मैंने डाला था, पुणे और नासिक के आसपास खूब सारे स्थानों पर हम लोग गए थे, तो वो वीडियो आज मैं याद कर रहा हूँ। तो उस टाइम जो है हम लोग घूमे, पूरी बारिश में भीगते हुए घूमे थे सब रेनकोट पहन के। हाँ बहुत शानदार, इसी मौसम, यही तो मौसम था बारिश वाला, थोड़ा सा महीने बारिश से लेट मान लीजिए। उस टाइम हम रेगुलर व्लॉग नहीं बना रहे थे लेकिन एक शुरुआत थी, उस वीडियो से हमने शुरुआत की थी, ऐसे ही घूमने के लिए आ गए थे। और भी बहुत सारी जगह पर यहाँ पर घूमे हुए हम लोग लेकिन उन सब जगह की वीडियो नहीं है, फोटो है कुछ थोड़ी बहुत हमारे पास में पड़ी है, देख लेते हैं कि भाई हाँ उस टाइम आए थे घूमे थे कभी। ये एक होटल है जहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया है अभी, श्री दत्त दिगंबर 1001% शुद्ध शाकाहारी खाना। तो भाई दोस्तों लगातार चल रहे हैं और दोस्तों मैं आपको जो कह रहा था कि पीछे कहीं पेट्रोल पंप से वो दो दिन बाद में एक्चुअली पेमेंट आ गया है, वापस फोन पे रिटर्न कर दिया है। अब मेरे ये बात इसलिए याद आई कि अभी अभी हमने पेट्रोल भी भरा है यहाँ पर, तो गाड़ी खाली हो गई वापस। एक चाय का ढाबा है जहाँ से दूध गर्म करवाया पीने के लिए। अरे भाई कहाँ से आ गए इतने सारे, मौसी के सारे प्याज गिरा दिए। ये गांव कौन सा है मौसी? पड़वा गांव। पड़वा? हाँ पुणे जिले में आता है। पुणे पाने जिले में आता है। पाने जिले में आता है, नगर जिला बोलेगा तो भी चलेगा। अच्छा नगर में आता है। हाँ नगर में। यहाँ से हम लोगों ने क्या थोड़ा दूध गर्म करवा के पिया है और कुछ सामान भी लिया है। मौसी बहुत अच्छे हैं, आपको धन्यवाद आपको। तो अभी दोस्तों बरसात जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है और हम लोग जो चलते चलते आ पहुंचे हैं पुणे। इस तरह से लगातार बरसात हो रही है, आज पूरे दिन भर इसी तरह से बारिश में चले हैं। रात के करीब 9 बजने वाले हैं, 9 बजने वाले हैं लेकिन हम लोग 9 बजे के बाद में ही पहुँचेंगे 9:30 तक। मेरे मामा जी रहते हैं यहाँ पुणे में, तो यहाँ पर ठहरेंगे आज रात को। जहाँ पर रेड लाइट होती है उस जगह पर एक लड़का लेके आया था, बहुत सुंदर फ्लावर है और इस फ्लावर को कुछ कह रहा था, क्या नाम ले रहा था आप कमेंट करके बताना। चाप्पे कुछ ऐसे कह रहा था, बाकी आप जो यहाँ के लोग हैं वो बताना इसको क्या बोलते हैं। बारिश ऐसी है। तो अभी दोस्तों हम लोग कल रात को पुणे पहुंच गए, मेरे मामा जी का घर है यहाँ पुणे के अंदर बीबेवाड़ी के अंदर, एक रात और यहाँ पर ठहरेंगे, खूब बरसात हो रही है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे पुणे और इससे आगे की जो हमारी यात्रा है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं तमिलनाडु, अभी भी कम से कम 1200-1500 किलोमीटर हमें और चलना है।